वेलकम स्टूडेंट्स, होप करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ कॉल्ड एज द पार्चुरेशन प्रोसेस। तो सबसे पहले वर्ड आ गया पार्चुरेशन प्रोसेस। व्हाट इज़ पार्चुरेशन? पार्चुरेशन इज़ द एक्सपेलिंग ऑफ अ फुली फॉर्म फीटस फ्रॉम द मदर्स यूट्रस आफ्टर ए कम्प्लीटेशन ऑफ द जेस्टेशन पीरियड। तो जैसे ही जेस्टेशन पीरियड कम्प्लीट हो जाता है और फीटस जो है एक्सपेल आउट किया जाता है फ्रॉम द मदर्स यूट्रस, इट इज़ नोन एज द पार्चुरेशन प्रोसेस। अब पार्चुरेशन प्रोसेस जो है आफ्टर कम्प्लीटेशन ऑफ जेस्टेशन पीरियड होता है। जेस्टेशन पीरियड जो है वो नियर अबाउट 280 डेज का रहता है, ठीक है। तो इसी जेस्टेशन पीरियड के कम्प्लीटेशन होने के बाद ही जो है वो जो है फीटस जो है वो एक्सपेल आउट होता है। अब जो अगली बात आ रही है दैट इज़ कॉल्ड एज द न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म। तो जो एक्सपल्शन आउट होने के प्रोसेस के बीच में कुछ एंडोक्राइनोलॉजी चलती है उसी के साथ। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, वो कहता है डेवलपिंग फीटस जो है ना वो अपने एड्रेनल ग्लैंड से कुछ जो है हार्मोन को सिक्रीट करेगा। जैसे ही वो सिक्रीट करेगा वो इन टर्न क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ द मदर को, ताकि वो कौन सा हार्मोन सिक्रीट करे, ऑक्सीटॉक्सिन करे, ठीक है, ऑक्सीटॉक्सिन, ठीक है। जब फीटस जो है अच्छी तरीके से डेवलप हो जाएगा, जैसे ऑक्सीटॉक्सिन प्रोड्यूस हो जाएगा वो क्या करेगा, फोर्सफुल कंट्रैक्शन करेगा किसकी, यूट्रस की बायोमेट्रिन की, जिसके कारण क्या होगा, लेबर पेन, ठीक है। और जैसे ही लेबर पेन हो जाएगी तो यंग वन उसके बाद क्या होगा, यंग वन ग्रेजुअली बाहर आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्या हो जाएगा, सर्विक्स की जो है डायलेशन हो जाएगी और उसका जो फोरमोस्ट हेड जो है वो उस वजाइना के थ्रू जो है वो क्या करेगा, एक्सपेल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो फीटस है उसकी उसके जब वो डेवलप हो जाएगा उसके बाद ही इस तरीके का मैकेनिज्म आपको शो दिखेगा। अब अगली बात आ रही है हमारे पास स्टेजेस ऑफ द पार्चुरेशन। तो पार्चुरेशन की कौन कौन से स्टेजेस हैं? तो सबसे पहले जो स्टेज है दैट इज़ कॉल्ड एज योर डायलेशन स्टेज। अब ये जो डायलेशन स्टेज है ये लगभग 12 घंटे की होती है। इस स्टेज में क्या होगा कि पेरिस्टालिसिस कंट्रैक्शन होगी, ठीक है। कंट्रैक्शन जो है एक तरीके की जो है मसल्स के बीच में जो है कंट्रैक्शन होगी, ठीक है। तो जिसके कारण क्या हो जाएगा, क्या कहता है, फीटस जो है वो सर्विक्स की तरफ जो है मूव करना शुरू हो जाएगा और सर्विक्स भी जो है वो एक्सपेंड हो जाएगी। और उसके बाद क्या होगा, जो प्लेसेंटा इज़ पुल्ड आउट फ्रॉम द यूट्राइन वॉल, और यूट्राइन वॉल के साथ जो प्लेसेंटा अटैच था वो भी आस्ते आस्ते क्या हो जाएगा, बाहर निकलना शुरू कर देगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, लगभग 12 घंटे का है और कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद जो है प्लेसेंटा भी उसके साथ ही रिमूव होना शुरू हो जाएगा यूट्रस के बाहर। दूसरी जो स्टेज है दैट इज़ कॉल्ड एज द एक्सपल्शन स्टेज। क्या है एक्सपल्शन स्टेज, जो 20 मिनट से लेकर 1 आवर की होती है। इसमें क्या होता है, जो एब्डोमल वॉल है वो यंग वन को पुश करती है डाउनवर्ड, ताकि वजाइना से जो है क्या है फीटस जो है बाहर की तरफ मूव हो सके, ठीक है। उसके बाद क्या किया जाता है, जैसे वो बाहर आ जाएगा तो अम्बिलिकल को कट कर दिया जाता है और फिर उसको फ्री किया जाता है। तो एक्सपल्शन में क्या होता है, फीटस को बाहर की तरफ निकाला जाता है। अब है लास्ट स्टेज। अब लास्ट स्टेज में क्या कह रहा है, लास्ट स्टेज जो है उसको आप क्या कहते हैं, प्लेसेंटल स्टेज कहते हैं, ठीक है। कि लास्ट स्टेज जो है वो क्या है, आपकी प्लेसेंटल स्टेज है। प्लेसेंटल स्टेज में क्या होता है, लगभग 10 to 45 मिनट्स की होती है बर्थ के बाद। यहाँ पर क्या होता है, जो प्लेसेंटा है, अम्बिलिकल कॉर्ड है, फीटल मेम्ब्रेन है, वो भी बाहर निकल जाती है। इसके अलावा जो है इसके बाद क्या टाइम पीरियड जो होता है वो यूट्रस की जो लाइनिंग है वो अपनी पोजीशन भी रीगेन करना शुरू कर देती है, ठीक है। तो ये थी हमारे पास प्लेसेंटल स्टेज। तो आपको पता लग गया इसके स्टेजेस के बारे में, डायलेशन स्टेज, एक्सपल्शन स्टेज एंड द प्लेसेंटल स्टेज, ये रहती हैं आपके पार्चुरेशन में। और ये एंडोक्राइनोलॉजी के साथ डील करती है, न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी दैट इज़ फ्रॉम द फीटस से पहले डील करेगा। फीटस जो है वो एड्रेनल ग्लैंड से सेक्रीशन करवाएगा, इंटर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ऑक्सीटॉक्सिन करेगा, ऑक्सीटॉक्सिन जो है वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन मायोमेट्रियम की कॉन्ट्रैक्शन करेगा, जिसके कारण जो है जो फीटस है वो फोरमोस्ट हेड के थ्रू वजाइना से बाहर आ जाएगा। होप करता हूँ आप सभी को ये टॉपिक जो है वो समझ आ गया होगा।